हमारे जो शक्तिपात आप सभी तो दीक्षित है ना किटी में, तो इस योग को महायोग क्यों कहते हैं? आगे थोड़ी और मैं हिंट दे देती हूँ कि भाई पतंजलि भगवान ने कहा है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोध, प्रथम सूत्र योग दर्शन का। तो योग किसे कहते हैं कि आत्मशक्ति जो जहाँ जुड़ती है परम शक्ति के साथ जो स्थिति बनती है उसको योग। तो योग करने के लिए क्या करना चाहिए? तो कि हमारी जो चित्त वृत्ति है उसको निरोध करना चाहिए, बस चित्त वृत्ति निरोध। तो कई योग से चित्त वृत्ति का निरोध किया जाता है, मंत्र कठोला योग आदि और कई टेक्निकें भी डेवलप हुई। तो वृत्ति कौन सी है? वृत्ति पाँच गिनी गई है, पांच बताई है शास्त्रकारों ने। उसी पांच जो क्लासिफिकेशन वृत्ति का किया है, तो वृत्ति हम तो हर रोज हर क्षण अनुभव करते हैं, हमारे भीतर ही वृत्ति है ना। पहली वृत्ति अविद्या का है। अविद्या किसे कहते हैं? जो विद्या नहीं है, सा विद्या या अविमुक्त है। जो विद्या वही है जो मुक्ति देता देती है, वही विद्या है, बाकी सब अविद्या है। तो एक दृष्टांत शास्त्रों में भी दिया है, हम जो गलत चीज समझते असली चीज को ब्रह्मात्मक रीति गलत इल्यूजन के तौर पर गलत समझते हैं। जैसे कि कोई ऐसा वो रस्सी है, अंधेरा है और पवन चलती है तो रस्सी हिलती मिलती है ना, मूवमेंट करती है, तो हम कल्पना कर लेते हैं कि ये शायद सर्प होगा, शायद सर्प होगा, ऐसा लगता है। जब उजाला आता है तो मालूम हो जाता है कि तो सर्प है, इसे कहते हैं अविद्या। तो ऐसे ही सारे जगत सारा जगत मिथ्या है, हमारा बॉडी भी मिथ्या है, लेकिन उसको हम मान लेते हैं, तो ये अविद्या है। अस्मिता, अस्मिता के लिए तो ये राजकारण लोग बोल देते हैं हमारी अस्मिता पर ऐसा किया ऐसा किया, हम ऐसा करेंगे, उसका जवाब देंगे ये मैं की बात है, तो मैं हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, यानी कि करता बात, तो मैं हूँ उसे अस्मिता नाम की वृत्ति कर रहे हैं। बाकी राग, कहीं राग यानी कि आसक्ति अटैचमेंट, डीपली अटैचमेंट उसको बोलते हैं राग, वो भी एक वृत्ति है, कहीं कहीं जगह पर राग है, लेकिन जब हेतु समाप्त हो जाता है राग है वो द्वेष में परिणामित हो जाता है, द्वेष राग में परिणामित हो जाता है, तो द्वेष भी एक वृत्ति है। और बड़े बड़े महात्मा लोगों को जलन जलसी बोलते हमारे यहाँ मत्सर मत्सर भी एक वृत्ति, चार वृत्ति है। पांचवी वृत्ति है वो अभिनिवेश, बाकी सब वृत्तियाँ इसमें समझ जाती है। अभिनिवेश का क्या मीनिंग होता है, क्या मायना अभिनिवेश वो समझने लायक है। हमें जिंदा रहना है ये भावना होती है और हमारा हम तो मर जाएंगे, वो मर जाएंगे, वो हाँ, तो उसी को कहते हैं अभिनिवेश। तो ये चार पांचों वृत्ति का योग के लिए योग एक साधन है, सही बात है, मंत्र योग योगा। लेकिन हमारे शक्तिमान परंपरा को महायोग कहा, तो क्यों कहा है कि महाविशेषण लगा दिया ने, तो इसी का जवाब हमें चाहिए, क्योंकि तो आप कई सालों से दीक्षित हैं, साधन भजन करते हैं। तो बोलो वंदना, हमारी परंपरा को महायोग क्यों कहा गया? तो सब वृत्ति के ऊपर उठे परमात्मा के साथ योग कर देते नहीं, ये सब योग है वो तो वृत्ति से ऊपर उठाता है, ये उसमें प्रयत्न करना पड़ता है। हमारी ये शक्तिमान परंपरा को एक विशेषण लगा दिया, बाकी अठियों को महायोग नहीं कहा, मंत्रियों को महायोग नहीं कहा गया, नहीं योग को महायोग नहीं कहा गया, गुरु कृपा। हाँ बात यही है कि हमारे परंपरा शक्तिपात परंपरा वो एक टेक्निक है जुड़ जाने के लिए परमात्मा शक्ति, तो उसी को महायोग इसीलिए कहा है कि जो सामर्थ्यवान ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय जो गुरु है उनकी कृपा मात्र से शक्ति जागृत हो जाती है, इसीलिए महायोग कहा गया है। उसी में डिफरेंट क्या होता है कि योगश्चित्त वृत्ति का प्रयत्न करना पड़ता है निरोध के,
समझ में आ गई बात, ये बिल्कुल कृपा साध्य है। तो ऐसे हमारे सदगुरु ब्रह्मनिष्ठ गुरु की कृपा हो जाती, संकल्प शक्ति की शक्ति जाग जाती, शक्तिपात करने से जाग जाती है शक्ति ह्यूमन बॉडी में। तो शक्तिपात शब्द क्यों कहा है, और कुछ नहीं कहा, शक्तिपात शब्द क्यों कहा? गुरु अपनी शक्ति से शक्ति को जगा देता है, तो शक्ति शक्ति का उसके अंदर प्रवेश तो शक्ति का पाठ शिष्य के शरीर में प्राप्त है गुरु। इसीलिए बात तो सही है, लेकिन शक्ति हमारे वेदों में भी ऐसा कहा है कि शक्ति परिणामी है लेकिन नाशवंत नहीं है। शक्ति सार्वत्रिक है, सब जगह पर शक्ति है। तो जो कहीं और जगह पर थोड़ी है वो गिर सकती है, वो उसका पात हो सकता है ना। सब जगह है तो पात करने की, शक्ति का पात करने की क्यों जरूरत होती है? शक्ति बहिर्मुख है तो उसको मुर्दा जो सोई हुई शक्ति है जो दिवाई मिलेगी, ये कुंडली नहीं बोलते हैं, साधन करते अब साधन कर रहे तो ही ना कोई अनुभव आता है, इसीलिए सही जवाब नहीं कर रहे। तो ये शरीर में शक्ति है, बाहर भी शक्ति है, लेकिन क्या है, जैसे नदी में हम एक घट लगा देते हैं तो घट में पानी भर जाता है, तो भी हम कह सकते हैं कि ये पानी भरता हुआ है, ये घट वाला पानी है। तो शरीर में शक्ति बंधी हुई है, तो उसी शक्ति सर्वा सार्वत्रिक जो शक्ति है, कलेक्टिव शक्ति है, फोर्स पावर है, उसी के साथ गुरु छोड़ देते शक्ति, अपनी संकल्प शक्ति से पात करके यानी कि जोड़ के संकल्प से जो सार्वत्रिक शक्ति है उसी के साथ जोड़ देते। तो शक्ति का कार्य तो यही कि जहाँ साई वहाँ जाए चली जाएगी, तो क्या करेगी, शरीर में क्रिया करेगी, तो अपने आप चित्तवृत्ति का निरोध होने लगेगा। इसीलिए महायोग कहा है, जैसे हाथी होता है ना, हाथी जब चला जाता है जंगल में तो उसी का जो पाँव है वो कितना बड़ा है, तो और जो पशु लोग वहाँ से गुजरे हैं तो उसी की भाई पद चिन्ह पड़ी है ना वहाँ, तो वो लग जाती है। तो हस्तिपाद वक्त ये महायोग है, बाकी सब जो अठ योग मंत्र योग लय योग आदि आदि है वो सब ये शक्तिपात यानी कि महायोग परंपरा में मर्ज हो जाती है, इसीलिए महायोग कहा है। तो उसी में क्या करते हैं गुरुदेव, प्राण शक्ति को परम प्राण शक्ति जहाँ फैली हुई उसी के साथ अध्या शक्ति के साथ ज्वाइन करते और वो हमारा संचालन करते। हमें करना क्या है, कोई प्रयत्न नहीं करना है, गुरु पर श्रद्धा शरणागति गुरु की आज्ञा का हमें पालन करना, और क्या करना, साधन करना, सिटिंग में बैठना, शक्ति को कार्य करने के लिए समय देना तो शक्ति कार्य करेगी, तो अपने आप निरोध करेगी। जो पाँच वृत्तियाँ मैंने आगे बताई ना उसी का अपने आप निरोध हो जाएगी क्योंकि शक्ति ऊपर उठेगी, सुषुम्ना में उठने के लिए कोशिश करेगी, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो हमारे जन्म जन्मांतर के जो पाप पुण्य के संस्कार है वो उसी को उखाड़ उखाड़ कर फेंक देगी, उसको साइकोलॉजी में कहते हैं कैथारसिस। हमारे सासों में निरोध विरेचन का है, तो सब वृत्ति को भी ऐसे ही कंट्रोल में कर देती है, धीरे धीरे खत्म हो जाती है, निद्रा उठी राग द्वेष ये सब धीरे धीरे खत्म हो जाती है, यानी कि निरोध तो हो जाती है, निरोध होते होते उसी में कन्वर्सन आ जाता है, राग है सही प्रेम में तो परमात्मा प्रेम है उसी में बदल जाएगा, द्वेष कभी होगा ही नहीं क्योंकि आत्मज्ञान के नज़दीक जाते जाते विषय वासना का जड़ जाती है, तो मैं आत्मा हूँ तो मेरा मेरी आत्मा सब और फैली हुई है ऐसा भाव आने से करुणा आदि सब डेवलप हो जाते हैं, वृत्ति अपने आप निरोध हो जाती है। लेकिन करुणा ज्ञान प्राप्त करने के लिए सद्गुण और निर्गुण पाप और पुण्य सब उसी के ऊपर उठना है, त्रिगुणातीत होना है ना, गीता में भी कहा है कि त्रिगुणातीत होते हैं साधक तब तो उसी को आत्मज्ञान होता है। शक्ति कैसे काम करती है आप सब अनुभव करते हैं साधन में बैठते हैं, तो शक्तिपात जब गुरु करते हैं तो शिष्य की भी इच्छा होनी चाहिए, रिसीविंग पावर तो होना चाहिए ना, उसकी इच्छा नहीं होती तो नहीं होगा, बलात् करने से कोई फायदा नहीं है, कृपा साध्य है, तो गुरु भी ऐसे होने चाहिए
और अत्यंत जिज्ञासु शिष्य होना चाहिए, तब ये क्रिया भक्ति उसी को मैं उपनिषद कहती हूँ। गुरु के पास बैठ के जो गुरु अनुभव करवाता है वही उपनिषद की स्थिति है। हम क्या करते हैं कि वेदांत के जो वो ग्रंथ है उसी को उपनिषद कहते हैं, वो तो वाच्यार्थ है ने? सही में तो वही उपनिषद है। गुरु के पास बैठ के उनकी कृपा से हम आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, वो स्थिति को उपनिषद कहा जाता है। हम अथर्ववेद का प्राण सूक्त देखे तो उसमें लिखा ही है प्राण सूक्त, अथर्ववेद का प्राण सूक्त है, यत्किंच जगत सर्वम प्राणम एजति मिश्रित, सारा जगत प्राण से मिश्रित होने होता रहता है। साइंस भी कहता है ना कि इंटरचेंज होता है, शक्ति पदार्थ पदार्थ शक्ति में चेंजेस होता है, शक्ति नाश नहीं होती। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कहा गया है, प्रकृति को नाचने के लिए वैज्ञानिक लोग प्रयत्न करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कहा गया है वेदांत का अर्थ कि भी एक ही शक्ति है, एक ही शक्तिमान, शक्तिमान की इच्छा से ये शक्ति नीचे उतरी, प्रकट हुई और काम करने लगे और अनंत ब्रह्मांड में आज भी काम कर रहे। लेकिन आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध है और परिणामी है, वो है ही, इतना ही कर सकते हैं। लेकिन शक्ति शांत, शांत यानी अंतेन सहितम यथा स्यात् तथा, जिसका अंत हो जाता है तो शक्ति का अंत तो नहीं होता है, विज्ञान भी कहते हैं हम भी कहते हैं, लेकिन वो प्रलीन हो जाती है, जहाँ से आई इसी में प्रलीन होकर शांत हो जाती है। ऐसे जो शांति सगड़ी का समय सकोरा का समय शांति यानी कि उसी का अंत हो जाता है। लेकिन कैसे अंत होता है कि जब महाप्रलय होता है तब जहाँ से वो निकली है उत्पन्न हुई है उसी में प्रलीन हो जाती है, तब टाइम भी नहीं रहता स्पेस भी नहीं रहता। हम है तो हमारे लिए टाइम स्पेस सब है, लेकिन है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, असत भी नहीं है सत्य भी नहीं है, उसी की स्थिति का वर्णन हम नहीं कर पाते। जैसे हमारे भीतर हम जब अपरोक्ष अनुभूति यानी कि निर्विकल्प स्थिति की अनुभूति करते हैं वो भी एक महाप्रलय, तो सारी ब्रह्मांड का यानी कि सारी पृथ्वी का महाप्रलय, अति प्रलय तो सारा ब्रह्मांड का अनंत ब्रह्मांड का भी हो जाता है, तब अति प्रलय करते हैं। लेकिन पृथ्वी का महाप्रलय करते तो पृथ्वी की महाप्रलय जो मृत्यु लोग का होता है उसी में भी यही स्थिति हो जाती है, शक्ति सारी शक्ति अपने में समाहित हो जाती है, जब कार्य करती है तब सत्वगुण तमोगुण रजोगुण लेके काम नीचे उतरती उतरती रहती और हम भी उसी में बंधन में फंसते ही रहते। इसीलिए योग निरोधन लेकिन महायोग में तीर्थ और सेतु कृपा से ही शिष्य के पक्ष प्रयत्न करना, साधन में बैठने और कुछ नहीं करना, क्योंकि आज्ञा मानना शरणागति में रहना और ईश्वर प्रणिधान भी रखना चाहिए। ये परम सत्ता कोई है नहीं, जिसको हमें ईश्वर कहते परम सत्ता कहते एब्सोल्यूट कहते जो कहते वो भी एक वो तो विज्ञान के मानते हैं। तो महायोग हमारी शक्तिपात परंपरा को क्यों कहते हैं समझ में आ गई नहीं बात, तो साधन करके हमें इस जीवन में आत्मज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। बाकी तो हमारे भाग्य में है ना, वो तो सब आते ही रहते हैं सुख दुख। बोलो श्री सदगुरु भगवान की जय।